नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं हमारी आज की विशेष और सबसे बड़ी खबर पर। मुंब्रा कलवा के 149 कॉन्स्टिट्यूशन के MIM की ओर से खड़े किए गए कैंडिडेट गुंजन सेठ ने अपना नाम वापस लिया। जी हां दोस्तों, जिसके बाद मुंब्रा में काफ़ी हंगामा मच गया है। MIM के समर्थकों में काफ़ी नाराज़गी भी जताई गई है। वहीं लोगों का कहना है कि जब असद साहब का फैसला था तो वो फैसला गलत नहीं हो सकता। जिसके बाद में एजाज खान ने, जी हाँ फिल्म एक्टर एजाज खान ने लाइव पर आकर उन समर्थकों से कहा कि अब क्या हुआ आपके सदर के फैसले का, अब क्यों ऐसा हो गया कि गुंजन सेठ ने अपना नाम वापस ले लिया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि माननीय आमदार श्री जितेंद्र अवार्ड का रास्ता बिल्कुल साफ है, अब उनके टक्कर में कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। मतलब लोगों का कहना है कि अब जितेंद्र अवार्ड जीत गए। चलिए चलते हैं हमारी आज की खास फुटेज पर और देखते हैं क्या कहा एजाज खान ने। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। वो तो इज्जत मन तुसा, वो तो जिल्ल मन तुसा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। MIM का IT सेल पूरा मिलके, BJP का IT सेल पूरा मिलके एजाज खान की बनाई इज्जत को खराब नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से यह नाम बनाया, इसको कोई खराब नहीं कर सकता, क्योंकि जो नाम अल्लाह देते हैं, जो अल्लाह के यहां से मुकर्रर होता है, उसको कोई 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 बदनाम नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग मुझे कहते हैं मैं गलत कर रहा हूं, और जो लोग ये कहते थे हमारे सदर का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, जो लोगों ने असदुद्दीन उवैसी को खुदा बना दिया, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, मेरे भाइयों मेरे प्यारों, जब हर सीट MIM जीतने के लिए कर रही है, देखा क्या हुआ मुंब्रा कलवा के, तुम्हारे असद भाई ने जो चिसको चूज किया था गुंजन सेठ, उसने विड्रॉ कर लिया है। यह थी असद भाई की चॉइस। एक मर्दे मुजाहिद जो टिकट मांग रहा था, उसको नहीं दिए, और ऐसे गद्दार को टिकट दिए। यह था असद भाई का फैसला, और उसके बारे में जाके असद भाई प्रचार भी किए। वाह असद भाई, मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और कभी थी भी नहीं, लेकिन आपने पार्टी में जो लोग चूज किए ना, जैसे आप देखो, आपको वारिस पठान के लिए क्या बोलना पड़ा, आपने मीटिंग ली उसमें वारिस पठान के लिए आपको माफी मांगनी पड़ी, इम्तियाज जलील को माफी मांगनी पड़ी, और आपने ये कहा कि वारिस को छोड़ दो, मेरी शक्ल देख के वोट दे दो, और मैं हर महीने, भाई आप हैदराबाद और दिल्ली संभाल लो भाई, महाराष्ट्र यहाँ के कुछ मुसलमान नेता है, कुछ हम जैसे यंग नेता है, वो संभाल लेंगे असद भाई, और हम लोग आपको सपोर्ट भी कर देंगे। चलो मैं खुल के कहता हूं MIM के सारे कैंडिडेटों से, उनको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मेरे भाइयों को। ये एजाज खान है। दूसरी बात, आज मुंब्रा कलवा गया वापस अवध के हाथ में, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन उवैसी साहब है, MIM की टीम है। जो लोग टिकट डिसाइड करते हैं, जो लोग सिलेक्ट करते हैं, सारे डमी कैंडिडेट है। आपको धीरे धीरे महाराष्ट्र इलेक्शन में पता चल जाएगा, सारे के सारे डमी कैंडिडेट है। अल्लाह ने सबके सामने बात ला दी। जो जो लोग मुझे कहते थे कि मुझे, अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग MIM का IT सेल लगा के जिस तरह BJP का IT सेल वाले मेरे साथ करते थे, आप लोग वो कर रहे हो, मेरी गंदी तस्वीरें, मेरे को बोल रहे हो मैं नशेड़ी हूं, मैं गंजेड़ी, अरे मैं सब करता था मेरे भाई, मैं झूठा नहीं हूं सबकी तरह, मैं करता था, लेकिन जब छोड़ा है तो फिर आवाम के लिए और उनकी मोहब्बत के लिए और अच्छाइयों के लिए और काम करने के लिए सब छोड़ दिया, यहां तक के फिल्म लाइन में स्ट्रगल करना छोड़ दिया। अल्लाह के लिए मेरी असद भाई से यह विनती है कि आप भाई खल्ला में वारिस पठान से पब्लिक चिढ़ी हुई है, लोग उनसे कतराए हुए हैं, आपके माफी मांगने से वहां पे वोट नहीं मिलने वाले असद भाई, बेहतर होगा आप को अगर मुसलमानों से सच्ची मोहब्बत है, हमारे जैसा भाई आपका, एक यंग भाई जो मेहनत कर रहा है, जो आगे आ रहा है, 5 साल आपने वारिस को दिए, उसने कुछ नहीं किया,
एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बना सका MIM के लिए, और फिर से 5 साल उसको आप आके यहां मांग के जनता को कह रहे हो मैं हर महीने यहां पे आऊंगा, आप आओगे क्या आसद भाई? इस तरह से फिर हमारे भाईकल्ला वालों को फिर झूठे वादे, जिस तरह 5 साल पहले MIM करके गई थी और वारिस पान ने, कोई वारिस पठान ने वादा पूरा नहीं किया, तो अब अल्लाह के लिए अब मुसलमानों को थोड़ा सा गुमराह करना बंद कर दीजिए असद भाई। और मेरी भी मुसलमानों से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नबी ने कहा वही फॉलो करो। कौन हूं मैं, कौन है असद भाई, कौन है ये लीडर सब? कोई नहीं है भाई, हमारे जो नबी ने बोला उसी को फॉलो करो। और भाई मोदी के भक्तों जैसे अंधे भक्त मत बनो भाई, समझे ना, थोड़ा अपनी भी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ। और भाई कल्ला के लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगता है मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे वोट मत देना, वारिस पठान को दे देना, आप शिवसेना को दे देना, आप कांग्रेस को दे देना, आप गीता गवली को दे देना। मैं तो वैसे भी सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं करता ही रहूंगा और करता रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन ये मेरा फैसला बहुत अच्छा फैसला है। एक फैसला गलत हो गया कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिए इन लोग, मुझे वहां पे रुका रुका के 2 बजा दिए, वरना मैं मुमरा जाके भी फॉर्म भरता और इंडिपेंडेंट दोनों जगह से जीतता मैं इंशाल्लाह। लेकिन मुमरा वालों, मेरी जान, मेरे यारो, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई, लेकिन ये तुम्हें देखना है। देखो इसलिए मैं MIM के IT सेल वालों से बोलता हूं, अभी सूरज नहीं डूबा, अभी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो, मैं खुद ही हो जाऊंगा बदनाम, मेरा नाम तो होने दो। MIM के IT सेल वालों, आप मुसलमानों के ग्रुप में कितनी भी नंगी मेरी तस्वीरें बना बना के, ये बना के, पुराने मेरे जॉइंट वाले वीडियो चला के आप कुछ भी करो, एजाज खान एकदम खुली किताब है। जब करता था तो वीडियो में करता था, बना के करता था, जब छोड़ा है तो छोड़ दिया है। अल्लाह हाफिज यारो, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज खान भाई कल्ला से मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। हर घर में गैस सिलेंडर होता है, हर माँ और हर बहन मेरी, क्योंकि ये जो है ना माँ और बहन, ये पैसे लेके वोट से बिकेगी नहीं, ये जो मुझे वोट दे दी ना, मैं भाई कल्ला से 1 साइड जीतूंगा इंशाल्लाह ताला। और मेरे जो भाई मुझे चाहने वाले हैं वो भी मुझे सपोर्ट कर दिए, तो कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना। और फिर एक बार कहता हूं असद भाई, बहुत गलत फैसले किए आपने महाराष्ट्र इलेक्शन में, बहुत गलत फैसले किए, उसका अंजाम आपको अल्लाह ने सबसे पहले यहां से दिखाया, जहां से एजाज खान कह रहा था आपसे। अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी या रब्बुल आलमीन, मेरे खालिक, मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज यारो, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।